सुबह गौ माता को एक छोटी सी चीज खिलाने से एक महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर करोड़पति ना बने तो मुझे बताना। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। गाय को खिला दें, ये छोटी सी चीज मिलेंगे, आपको सभी कष्टों से मुक्ति, इसी के साथ हर परेशानी तुरंत होगी। खत्म। तो गाय को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है, गाय को माता का दर्जा दिया गया है, गाय को सभी देवी देवताओं का वास करने का स्थान कहा गया है, क्योंकि गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, और इसीलिए गाय के साथ किए जाने वाले उपाय तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। संभव से जो कार्य होते हैं उनको भी यह उपाय संभव करके दिखाते हैं। भक्तों में सौगंध खाता हूं, गौ माता की अगर आपको यह उपाय धनवान ना बना तो मुझे बताना। दोस्तों, अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या फिर जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और आप अपने घर में हमेशा तिजोरी को भरकर रखना चाहते हैं, आप अपने घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य को पाना चाहते हैं, तो आपको गाय के साथ यह अचूक टोटका अवश्य ही करना चाहिए। इसे अचूक टोटके से कई प्रकार की समस्याओं का हल होता है। इस अचूक को उपाय से किए जाने वाले प्रभाव ऑन का परिणाम बहुत जल्दी मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। गौ माता की सेवा करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता की सेवा करने का सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। सभी प्रकार के यज्ञ और सभी प्रकार के जो तीर्थ स्थल है उन पर स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वह केवल गौ माता की सेवा करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो खुद प्रतिदिन भोजन करने से पहले गौ माता को एक छोटी सी चीज अवश्य खिलाया करें। इसके अलावा जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करते हैं, नित्य प्रतिदिन उन्हें भोजन करवाते हैं या फिर उनसे नित्य कुछ उपाय करते हैं, उनसे जुड़े हुए उनके ऊपर आने वाली सभी प्रकार की समस्याएं गौ माता स्वयं हर लेती हैं। इस एक छोटी सी चीज को गुप्त उपाय को करने से माना जाता है कि गाय को यह छोटी सी चीज अगर आप खिला देते हैं तो मात्र 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लग जाता है और 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होकर आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत करते हैं, सभी संकटों को आपसे मुक्ति दिलाते हैं, साथ ही साथ आपको धनवान बनाते हैं और आपके जीवन में सफल होने के सभी मार्ग खोल देते हैं। और यह छोटी सी चीज गौ माता को खिलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अगर आप साथ ही साथ में बोल देते हैं या फिर शादी में आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आवाहन करते हैं जब करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। इसकी कोई संख्या नहीं है जाट की, आप जितना चाहे आप जप कर सकते हैं। जब तक आप गौ माता को यह छोटी सी चीज खिला रहे हैं या फिर जब तक गौ माता इसे पूरी तरीके से खाना ले तब तक आप इस महामंत्र का जाप करते रहे। शास्त्रों में बताया गया है कि इस उपाय की वजह से आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से हर व्यक्ति जो भी उपाय को करता है वह निश्चित रूप से धनवान बन जाता है। जीवन के हर कष्ट, हर समस्या, हर चुनौती को छुटकियों में छुटकारा पा लेता है। अब तक जो भी आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे वह सभी काम अब आपके बनने लगेंगे। सफलता के मार्ग आपसे जो भी रुकावटें पैदा हो रही थीं, वह रुकावटें दूर हो जाएंगी। धन की देवी मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि अपार धन की प्राप्ति होने लगेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी दिन का चयन कर लेना है। आप चाहे तो इस शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, चाहे गुरुवार के दिन कर सकते हैं, चाहे एकादशी के दिन कर सकते हैं, चाहे पूर्णमासी या फिर पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर दिन भगवान के लिए ही समर्पित होता है। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी चैनल बताना चाहिए। गया हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि भारत की हर नागरिक को यह जानकारी फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माताएं बहनों, चलिए आगे जान लेते हैं। दोस्तों, आप जिस भी देना उपाय को करेंगे उसे दिन आप सुबह सुबह प्रातः काल में जल्दी उठ जाएं।
और नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद आपके घर में जहां पर आपका मंदिर स्थापित है वहां जाए और मंदिर में जाने के बाद आपको जो सभी देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, उन्हें एक साफ कपड़े से पूछ लेना है। अगर मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन्हें नहलाकर स्वच्छ वस्त्र जो है धारण करवाई। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में स्वच्छ हो जाने के बाद आपका मंदिर पूरी तरीके से स्वच्छ हो गया है। इसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। वहीं पर दीपक में घी का इस्तेमाल ही होना चाहिए। जब तक आप यह उपाय करें तब तक यह पूछना नहीं चाहिए। साथ ही साथ एक सुगंधित धूप भी अवश्य जलाएं। यह दोनों कार्य हो जाने के बाद भगवान विष्णु को, अगर उनकी प्रतिमा आपके मंदिर में मौजूद है, तो आप इन्हें हल्दी से और माता लक्ष्मी को आप कुमकुम से, हल्दी और कुमकुम दोनों के मिश्रण से आपको तिलक लगाना है और उसके बाद अपने मस्तक पर भी आपको तिलक लगाना है। उसके बाद एक साफ प्लेट ले और हल्दी से उसमें स्वास्तिक बनाएं और एक ओम भी आपको बनाना है। उन दोनों के बीचों बीच आपको एक अच्छा छोटा सा टुकड़ा रखना है। ध्यान से सुनिएगा, स्वास्तिक और ओम के बीच में, स्वास्तिक और ओम के बीच में एक गुड़ का टुकड़ा आपको रखना है और साथ ही साथ में थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल के कुछ दाने भी आपको रख देने हैं। और अपनी नित्य पूजा करने के बाद आप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती गए और यह कार्य पूरा हो जाने के बाद अब आपको जो दीपक अपने जलाया है उसे पूर्ण होने का इंतजार करना है। जब वह दीपक पूर्ण हो जाए तब आप अपने घर में जो रसोई घर है वहां पर जाए और फिर आपको थोड़ा सा आटा लेकर के उसे मान लेना है। ध्यान रहे कि आटे में आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो फिर आप पूजा शुरू होने से पहले ही नहा धोकर उसके बाद ही आटे को थोड़ा सा माल करके गोद करके रख लीजिएगा। अब दोस्तों, आपको पूजा होने के बाद, दीपक पूर्ण हो जाने के बाद आपने जो गुड़ और चने की दाल रखी थी उसे उठा करके इस लोहे में, लोहे के बीच में डालना है। आपको लॉय बनाना है, उसी के बीच में आपको यह गुण रखना है, छना रखना है और इसके बाद में लोहे को बना लें और इस प्रकार से तैयार करें। लोहे के ऊपर में थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम से और थोड़ा सा टीका लगा दें। और दोस्तों, इस प्रकार से लॉय जब आपका तैयार हो जाए, किसी बैठी हुई गाय को आपको खिलाना है। ध्यान रखें कि गाय बैठी हुई होनी चाहिए। दोस्तों, आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के चलते हैं आप अपने घर में अनेकों अनेक प्रकार के धन धान्य सुख वैभव ऐश्वर्य पूर्ण रूप से परिवार सहित प्राप्त कर पाएंगे। एक और सकारात्मक माहौल का आप अनुभव कर पाएंगे। मेरे जिंदगी भाइयों और बहनों की शादी में विलंब हो रहा है, शादी तय हो जाती है और टूट जाती है, तो वह भी इन उपायों को कर सकते हैं। और अगर वह नहीं कर सकते तो जिनको अपने आप पुत्र या पुत्री की शादी में विलंब हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, तो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। बात करती हूं कि यह उपाय आपको कितने दिन करना है। मान लीजिए यह उपाय आप गुरुवार को कर रहे हैं तो आपके साथ गुरुवार यह उपाय करना होगा। अगर शुक्रवार कर रहे हैं तो 8 शुक्रवार तक इस उपाय को करना है। एकादशी के दिन कर रहे हैं तो 11 एकादशी तक निरंतर इस उपाय को कीजिएगा। वैसे तो 24 घंटे के अंदर ही रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि यह तुरंत ही आपको सिद्ध करने वाला जो उपाय मैंने आपको बताया है, 24 घंटे में यह अपना रिजल्ट आपके हाथ में देने वाला रिजल्ट है। तुरंत ही झटपट हर तरीके की समस्या के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। मां मानचित्र इच्छा के लिए पैसा, रुपया, धन दौलत, संतान की प्राप्ति, किसी रिजल्ट में, किसी नौकरी में, किसी व्यापार में, किसी प्रमोशन में, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान में, दुश्मन से मुक्ति में, हर तरीके से यह सिद्ध उपाय है। घर के क्लेश को भी मिटता है यह उपाय। जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है उनको भी उपाय को करना चाहिए, उनको भी आगे के लिए, तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए। इन उपायों को करने मात्र से आने वाली सभी प्रकार की अड़चन खुद ब खुद दूर हो जाती है। माताएं, बहनों, मैं अब आपको गौ माता से जोड़ा एक और ऐसा उपाय बता देता हूं। अगर आप यह हर रोज सुबह कर लेते हैं तो आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी और गौ माता की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। तो भाग तो आप सबको यह तो पता ही होगा कि हर एक घर में सुबह सुबह खाना जरूरी बनता है और खाना बनाने से पहले आपको यह उपाय जरूर करना है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं और यह उपाय करना आपके लिए बहुत ही सरल है तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है भक्तों।
आप सबको यह तो बताइए कि हमारे हिंदू धर्म में गौ माता का कितना ज्यादा महत्व है। हर एक चीज त्योहार से पहले हमें गांव आता को पूजा जाता है और सबसे पहले गौ माता को ही पूजने की परंपरा चली आ रही है। उपाय जानने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि अगर आपने अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है, तो एक लाइक अवश्य करें। चलिए दूर भक्तों, अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो चलिए यहां पर हम थोड़ा सा गौ माता के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें दोस्तों। साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। चार चार बाती लगाकर चारों दीपक, मतलब चार भाग उसके बन जाएं, हर एक भाग को जलाएं और बीच में दो सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको। इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है। भक्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता, जय माता लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। और गौ माता को जो भोग कार्तिक पूर्णिमा के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है, सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है, वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज, जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है
इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए क्या दोस्तों। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोप निषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन पूर्णिमा के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृ दोष दोस्तों। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे।
इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है कोई सब्जी है सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं, हर एक लोही को मिला दे। माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दो हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गए रोटी रखें उसे, पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी इस बात का। जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।